हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है तलहा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर विंडोज 10। मतलब विंडोज 10 के लिए आपको एक ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, और विंडोज 10 के लिए स्पेशली नहीं, आप तमाम विंडोज़ के फॉर्मेट्स में इसको यूज़ कर सकते हो और ये एकदम फ्री है और बिल्कुल ज़बरदस्त वर्क करता है। और मैं अगर पर्सनली आप मुझसे पूछते हो कि मैं कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर पीसी के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैं वही वाला यूज़ करता हूँ जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ बढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो स्क्रीन रिकॉर्डर जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही रिकमेंड करने वाला हूँ, और इसका नाम है आई स्प्रिंग फ्री कैम। और दोस्तों, इसका डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके ऊपर जब डबल क्लिक करते हो आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होता है, जिस तरह भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ऊपर की तरफ इसके कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं कि आप इसको अपग्रेड कर सकते हो उसके प्रोफेशनल वर्जन पे कुछ पैसे देकर। इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक फ्रेम शो होगा जो कि आपके एस्पेक्ट रेशो को सिलेक्ट करेगा कि आपका, जिस तरह ये भी आप देख सकते हो, मैंने न्यू रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया तो ये आ चुका है फ्रेम एक। लेकिन मेरी LCD जो है वो बड़ी है और ये वाला जो फ्रेम आया है वो है 16:9 वाला, तो मुझे चाहिए अपना फुल स्क्रीन का। तो आप फुल कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको, और यहाँ से सेटिंग्स में जाके आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपकी स्क्रीन का साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से फुल स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो अभी आप मेरी जो फुल स्क्रीन है वो सिलेक्ट हो गई है और अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगी। और इसके कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि अगर आपको पॉज करनी है रिकॉर्डिंग या फिर रिज्यूम करनी है तो आपको कौन सा बटन सेट करना है, F9, और मतलब आप अपनी मर्जी से भी आप बटन सेट करते हो और जो डिफ़ॉल्ट है वहाँ पे F9 है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, आप अपने माउस जो है उसके कर्सर को हाईलाइट कर सकते हो, उसका जो साउंड है माउस का जो क्लिकिंग साउंड है वो इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा और एडिशनल फीचर्स हैं जो कि आप जब डाउनलोड करना तो देख ही लेना। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने अभी रिकॉर्डिंग के बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, देख सकते हैं काउंट डाउन शुरू हो चुकी है और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कि मैंने की थी और यहाँ पर मैंने कुछ थंबनेल अपने ओपन किया था। और दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो यार मैं बोलूँगा और रिकमेंड करूँगा आपको जाके ये वाली वीडियो देख लो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसमें मैं एक स्पेशल Q&A वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो आप वो जाकर जरूर देखो, मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर कोई भी आंसर पूछ सकते हो आप मुझसे, क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो वो वाली वीडियो आप जाकर लाजमी देख लो। तो फ्रेंड्स, आपको जब कैंसिल करना है उसके लिए एस्केप का बटन दबाना, इस तरह मैंने यहाँ पे दबाया तो आप देख सकते हो कि जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर सेव होने लग गई है। सेव होने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह कुछ आपके पास इंटरफेस शो होता है और अभी ये वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जो कि मैंने की थी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये सारी वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है जो कि मैंने अभी रिकॉर्ड की थी आपके सामने। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, उसके आप इसके जो मेन फीचर हैं वो हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हो बहुत सारे न्यू फीचर्स के साथ, सही है, ये देख सकते हो अभी आप। इसके अलावा आप यहाँ पर वीडियो को सेव कर सकते हो काफ़ी आसानी से, सेव के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करो और यहाँ से डायरेक्ट ओके कर दो, तो ये आप देख सकते हो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हो अभी आप एक्सपोर्ट हो रही है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं बोलना कि यार आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैं पर्सनली काफ़ी पिछले 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और अगर कुछ हुआ भी तो मैं आपको बताऊंगा, चैनल पर अपडेट दे दूंगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं बोलना कि आपको ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो कैसा लगा। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं उसके ऊपर मैं Q&A वीडियो प्लान कर रहा हूँ, तो आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड, मेरा मतलब चैनल से रिलेटेड, चैनल की अपडेट वगैरह वगैरह Q&A कर रहा हूँ एक। तो आप कुछ भी चाहो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी जो कि मैंने बनाई है Q&A वाली, मतलब Q&A में कर रहा हूँ, वो वाली वीडियो देख लो, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है कि आप क्या क्या पूछ सकते हो, क्या क्या नहीं, और क्या चीज़ें आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उस जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।